हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सावी। कुकिंग विद सावी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टोमेटो केचप। तो चलिए टोमेटो केचप बनाना शुरू करते हैं। टोमेटो केचप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पके हुए टमाटर लिए हैं और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। आप चाहो तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड नहीं किया है, सिर्फ टोमेटो और जिंजर का टुकड़ा ही लिया है। टोमेटो को हमें छोटे छोटे पीस में कट करना है, ज़्यादा छोटे ना करें क्योंकि ये उबलने के बाद ऑलरेडी पक जाएंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर को फाइनली चॉप्ड करके रख रही हूँ, आपको भी इसी तरह से टमाटर को काट के रखना है। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना ना भूले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट ये भी ज़रूर करें कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं। आप यहाँ पे पके हुए टमाटर लोगे तो ज़्यादा अच्छा सॉस बनेगा। सॉस को हर कोई खाना पसंद करता है। सॉस हम भजिए के साथ में भी खा सकते हैं, ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं, तो सॉस सब चीज़ में काम आता है। इसलिए हम घर पे ही सॉस बना के रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता। इसमें हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे तो ये सॉस कम से कम एक दो महीना आराम से चल सकता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टमाटर कैसे कट किए हैं। इसी तरह से आपको टमाटर को कट करके रखना है। अभी मैं जिंजर के छिलके को निकाल के जिंजर को भी बड़े बड़े पीस में ही कट करके रख दूँगी। जिंजर डालने से टोमेटो में स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। आप लहसुन भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आप कट करके सारे चीज़ों को रख लें। इसी तरह से हम बाकी टमाटर को भी कट करके रख लेंगे। आप देख सकते हो मैंने टमाटर को कट करके रख लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अब हम एक बर्तन चढ़ाएंगे। बर्तन में हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने एकदम थोड़ा सा पानी डाला है। पानी में हमें चॉप किए हुए टमाटर और जिंजर जो हमने कट करके रखे थे उसे डालना है। यहाँ पे मैंने टोमेटो को और जिंजर को जो कट करके रखा था उसे डाल दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इस पे ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए छोड़ दे। यहाँ पे मैंने इस पे ढक्कन लगा दिया है और इसे अब हम 10 मिनट या 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा तो टमाटर एकदम पक के रेडी हुए हैं। आप देख सकते हो टमाटर एकदम अच्छे से पक के रेडी हो रहे हैं। इसमें अब मैं स्वाद अनुसार जितना नमक डालूंगी, यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जितना नमक डाला है। नमक डाल के इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पे फिर से ढक्कन लगाए। ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ दे। 5 मिनट बाद आप देखोगे कि टमाटर एकदम पक के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे टमाटर एकदम पक के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि टमाटर थोड़े बहुत पक के रेडी हो गए हैं। एक बार मैंने इसे दबा के चेक किया तो टमाटर थोड़े कच्चे पक के हो गए थे, फिर भी मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए और ढक्कन लगा के छोड़ दिया। अब देख सकते हो आप टमाटर एकदम पक के रेडी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैंने एक मिक्सर का ग्राइंडर लिया है, उसमें मैंने जो टमाटर हमने जो पकाए थे उसे डाला है। अभी हमें टमाटर की प्यूरी बनानी है। यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे टमाटर को पीस के इसकी प्यूरी बना लूँगी। आप देख सकते हो मैंने कितनी फाइनली एकदम प्यूरी बना ली है। अभी हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे
और उस पर बर्तन चढ़ाएंगे। बर्तन चढ़ा के हमने जो प्यूरी बनाई थी उसे हम फिर से बर्तन में डाल देंगे और इसे तब तक पकाएं जब तक हमारा टोमेटो केचप बनके रेडी ना हो। एक बार इसे मिक्स कर ले और इसे अच्छे से हमें पकाना है। इसका कलर एकदम रेड होना चाहिए। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके इसे पकाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसे पकने दे। इसमें जब थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, ये उबलने लगेगा, तब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया था। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करके इसे अच्छे से पकने दे। अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा स्पून जितना शक्कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा स्पून शक्कर डाला है इसमें। शक्कर डालने के बाद इसका कलर एकदम से रेड हो जाएगा। शक्कर डाल के इसे एक बार मिक्स कर ले। मिक्स करके इसे अच्छे से पकने दे। शक्कर एकदम पिघल जाए तब तक इसे पकाना है। आप देख सकते हो इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। अभी हमें इसे एक महीने के लिए स्टोर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें एक चम्मच जितना विनेगर डाला है। विनेगर डाल के इसे मिक्स कर ले। विनेगर डालने से ये इसकी एक्सपायरी और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसे हम एक दो महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हो टोमेटो केचप बनके रेडी हो गया है। टोमेटो केचप बनके रेडी होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रखें। ठंडा होने के बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। आप देखिए टोमेटो केचप कितना यम्मी लग रहा है और इसका टेक्सचर एकदम बाहर मार्केट जैसे टोमेटो केचप का आया है। इसी तरह से आप टोमेटो केचप बनाएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देखिए टोमेटो केचप कितना अच्छे से पक के और कितना अच्छा टेक्सचर दे रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।